सरसों की कटाई तो हो चुकी है, तो आज चलो अपने टॉपिक के बारे में बात करेंगे। नमस्ते, टाइम मिल गया है ना, अभी सरसों की कटाई हो गई है वीडियो बनाने के लिए। तो नमस्ते, मैं पवन यादव। आज बात करेंगे, दो तरह की इंद्रियां होती हैं, एक भौतिक और दूसरी होती है सूक्ष्म। आप भौतिक किसे कहेंगे और सूक्ष्म किसे कहेंगे? देखो, इसका दुरुपयोग मत करना, क्योंकि ये काफ़ी लोग इसका दुरुपयोग कर लेते हैं, फिर भी चलो मैं आपको बता देता हूँ। भौतिक इंद्रियों का एक उदाहरण दे के बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये कान है, मेरा ये कान है, आपको वीडियो में दिखाई देगा मेरा कान है, और दूसरे नंबर पे आपको जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं वे दिखाई नहीं देती हैं, वे गुरु कृपा से और दिव्य दृष्टि से दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया दो तरह की इंद्रियां हैं, एक भौतिक एक सूक्ष्म। भौतिक का मतलब जो कि जो हमें दिखाई दे जाए, जो मोटी इंद्री है उसको भौतिक कहेंगे, और जो बारीक इंद्री है जो दिखाई ना दे, ज़्यादा बारीक होने की वजह से आँखें उनकी पकड़ नहीं करती हैं, तो ये गुरु कृपा से और दिव्य दृष्टि से दिखाई दे सकती हैं। चलो इनके काम के बारे में जानते हैं कि ये काम क्या करती हैं। ये हम मेरा कान है, मान लो इसको करण इंद्री है, तो ये करण इंद्री है भौतिक करण इंद्री, उदाहरण देके बता रहा हूँ, और दूसरी है सूक्ष्म करण इंद्री। सूक्ष्म करण इंद्री का क्या काम है, इसके बारे में कुछ देर के बाद में बात करेंगे। आज बात करेंगे इसका क्या काम है। मान लो मेरा कान है, ये कितनी दूर तक सुन सकता है? ये 2-4 किलोमीटर, या स्पीकर चल रहा है तो 10 किलोमीटर तक की आवाज़ें सुन सकता है। ये पंछी चहचहा रहे हैं, इंजन की आवाज़ है ट्यूबल की, तो ये सुनाई दे रही हैं, ये भौतिक आवाज़ें हैं। भौतिक आवाज़ों को सुनने के लिए भौतिक इंद्रियां काम देती है, ये कान ही काम करेगा वहाँ पे, लेकिन ये बारीक आवाज़ को नहीं सुन सकता है। बारीक आवाज़ों को सुनने के लिए सूक्ष्म इंद्री ही काम करेगी, जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, जो कि हमारे शरीर के अंदर ही है। मान लो एक आदमी है, कोई रिश्तेदार है, मान लो वो किसी दूसरे देश में गया हुआ है, वो ऑस्ट्रेलिया में गया हुआ है, तो हज़ारों किलोमीटर दूर है वो। अब उसकी आवाज़ तो मुझे सुनाई नहीं देगी यहाँ बैठे बैठे, तो उसके मन में जो बात चल रही है, जो वो सोच रहा है, उसके दिमाग में जो आवाज़ें उठ रही हैं, उसको सूक्ष्म करण इंद्री कैच कर सकती है, सुन सकती है। मान लो उसके पास पैसे नहीं है, अब वो चाहता है, ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, पैसे की कमी है उसके पास, और उसके मन में आवाज़ ये चल रही है कि मुझे किसी तरीके से पैसे मिल जाए, घर वालों से पैसे पहुंच जाए मेरे पास, तो वो मन में ही चल रही है वो आवाज़। तो ऑस्ट्रेलिया की जो आवाज़ है, रिश्तेदार की जो आवाज़ है, किसी दोस्त की आवाज़ है जो कि ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है, उस पैसे की आवाज़ को यहाँ बैठे बैठे सुना जा सकता है, उसमें मदद करेगी सूक्ष्म करण इंद्री। ये जो कान है, जिसके आप मैल वगैरह साफ करते हैं कभी कभी, रुई से करते होंगे ना, ये नहीं सुन सकता। इसके पीछे एक सूक्ष्म करण इंद्री और है, जिसे हम बारीक इंद्री कहेंगे, करण इंद्री। वो यहाँ से बैठे बैठे उस दोस्त की, उस रिश्तेदार की, या अपने किसी करीबी आदमी की मन की आवाज़ सुन सकती है। अगर वो किसी दुविधा में है, वो किसी खुशी में है, या उसके मन में कोई बुरी आवाज़ें उठ रही हैं, या ऐसा कह लो मन की बात पता करना, मन की बात, मन की आवाज़ को यही कैच कर सकती है। लेकिन आपकी सूक्ष्म करण इंद्री अभी पूरी तरीके से काम नहीं करती है, अच्छे तरीके से काम नहीं करती है, इसलिए आप कहीं दूर बैठे रिश्तेदार की, या किसी दूर देश में गए हुए दोस्त की, या किसी घर वाले की आवाज़ को आप नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि आपकी सूक्ष्म करण इंद्री अभी डीएक्टिवेट है, वो जागृत नहीं है, ऐसा समझ लो। तो अगर उसको जागृत करके हम दूर बैठे किसी भी आदमी के मन की आवाज़ को सुन सकते हैं, उसके लिए वो गुरु कृपा से जागृत होगी, उसमें गुरु हेल्प कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। काफ़ी लोग इसके लिए साधना करते हैं, तो साधना उधना करने से कोई ज़रूरत नहीं है, गुरु से कहो, गुरु के सानिध्य में, जो पूर्ण गुरु हैं, जो कि ब्रह्म पदवी तक पहुँचे हुए हैं, उनके सानिध्य में स्वयंता ही ये जागृत हो जाती है। ये जो छोटी मोटी सिद्धियां हैं, ये छोटी मोटी जो शक्तियां हैं, ये स्वयंता जागृत हो जाती हैं।
तो आज हमने बात की दो तरह की इंद्रियों के बारे में, एक भौतिक इंद्री और एक सूक्ष्म बारीक इंद्री। भौतिक इंद्री इस दुनियादारी की आवाज़ों को सुन सकती हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपके भाईचारे में जो लोग बात करते हैं, इसके अलावा रिश्तेदारी में आप जो बात मुँह से करते हैं, कुत्ते की आवाज़ हो गई, चिड़ियों की आवाज़ हो गई, ये सारी आवाज़ों को ये कान सुन सकता है। लेकिन इसके पीछे दूसरा कान है, वो लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर भी किसी दूसरे के आदमी के मन की बात पता कर सकता है, यहाँ तक कि जानवरों के मन की भी बात सुन सकता है कि जानवर क्या चाहता है। मान लो एक कुत्ता है, उसके मन में क्या चाह रहा है, वो क्या सोच रहा है, उस आवाज़ को भी सुना जा सकता है। तो ये काम होता है सूक्ष्म इंद्री का। तो आज हमने क्या डिस्कशन किया, किसके बारे में जाना, आज हमने जाना सूक्ष्म इंद्री के बारे में कि सूक्ष्म इंद्री का क्या काम होता है। तो मैंने बता दिया बारीक चीज़ों को सुनने के लिए। तो भौतिक जगत के लिए भौतिक इंद्रियां काम देती हैं और बारीक आवाज़ों को, बारीक दुनिया को जानने के लिए, उनको सुनने के लिए सूक्ष्म इंद्री काम देती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपकी जो परम सत्ता है उसको मैं प्रणाम करता हूँ। आप स्वयं ही परम सत्ता है, आपको मेरा प्रणाम है, तो मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद आज के लिए।